हाय नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इंडिया में कहीं भी सोलो ट्रिप यदि करते हैं तो उसे कम से कम खर्च में पूरा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सोलो ट्रिप तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके कोई दोस्त नहीं है, वो अकेले हैं तो ही उन्हें सोलो ट्रिप करना पड़ता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सोलो ट्रिप में ऐसा होता है कि सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि कंप्लीट जर्नी आपके एडवेंचर से भरपूर होती है और आप पूरा अपने आप पर फोकस करते हो, कोई भी आपके डिसीजन को रोकने टोकने वाला नहीं होता है और आप कंप्लीटली अपने ट्रैवल में इन्वॉल्व रहते हो। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे आते हुए बात करते हैं कि अपने जर्नी को कम से कम खर्च में कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें होती है वो ये कि हम अपने बैग को कितने स्मार्ट तरीके से पैक करते हैं, क्योंकि बैग पैक जो होता है वो हमारा डेड वेट होता है, हमें कई बार पैदल चलने पड़ सकते हैं, तो जितना कम से कम वजन होगा वो हमारे लिए उतना ही सहूलियत प्रदान करेगा। तो दोस्तों, हमारे बैग में बहुत ही कम सामान लेकिन ज़रूरत की मैक्सिमम सामान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास बैग में टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू के पाउचेस, पावर बैंक और कम से कम कपड़े होने चाहिए। बैग पैकिंग के बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो दोस्तों, हम अपनी जर्नी की शुरुआत शाम में ही करें, क्योंकि शाम में हम अपने ऑफिस या कॉलेज को ख़त्म करने के बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि हम ओवरनाइट जर्नी करेंगे तो हमें रात में आराम बस में या फिर ट्रेन में भी कर सकते हैं, हमें कोई होटल या गेस्ट हाउस किराए पे नहीं लेना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पे सेविंग हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टे की। दोस्तों, हम इंडिया में किसी भी सिटी में जाएं तो वहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला या फिर गेस्ट हाउस बहुत ही सस्ते में इजीली अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी सिटी में जाएं तो कोई होटल ना लें बल्कि आप वहाँ पे गेस्ट हाउस या फिर धर्मशाला को ढूंढें। दोस्तों, बहुत सारे धर्मशाला या फिर गेस्ट हाउस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप ऑनलाइन ढूंढने के बजाय वहाँ पर लोकल चाय वाले या ऑटो वाले से पूछें, वो आपको सस्ता गेस्ट हाउस और धर्मशाला का एड्रेस बता देंगे, वहाँ पर जाके आप इजीली बुक कर सकते हैं। यदि आपको सिर्फ फ्रेश ही होना है तो आप सुलभ शौचालय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर नहाने का भी प्रबंध रहता है, तो बहुत ही कम खर्च में आप फ्रेश हो सकते हैं बिना रूम बुक किए हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं हम खाने की। तो आप जहाँ कहीं भी जाए तो वहाँ पर किसी बहुत ही बड़े ब्रांडेड रेस्टोरेंट में खाने के बजाय वहाँ का जो लोकल एकदम फेमस और सस्ता और स्वादिष्ट खाना होगा वहाँ पे जाएं। और इसके लिए आप पता कर सकते हैं वहाँ के लोकल लोगों से, दो तीन लोगों से आप पूछेंगे तो आपको एक अच्छा सा डेस्टिनेशन मिल जाएगा जहाँ पर आपको स्वादिष्ट लोकल व्यंजन मिलेंगे और आप उसको एंजॉय भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जब हम वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमें हमेशा शेयरिंग वाले व्हीकल का ही यूज़ करना चाहिए, शेयरिंग वाला ऑटो या फिर बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वहाँ पर शेयरिंग ऑटो या बस कुछ भी ना मिले तो भी हमें बेशरम होके पैदल ही चल देना चाहिए। हम गूगल मैप का यूज कर सकते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन कितना दूर है, और रास्ते में कोई भी व्हीकल मिले तो हम उससे लिफ्ट मांग सकते हैं। कोई भी कार हो, ट्रक हो, बाइक हो, कुछ भी हो, आप लिफ्ट लेकर के आप जा सकते हैं, तो बहुत ही कम खर्च में आपकी जर्नी कंप्लीट हो सकती है। और दोस्तों, फिर आप जब आप वापस रिटर्न जर्नी आप करेंगे तो फिर ओवरनाइट की जर्नी आप करें, ताकि फिर से आपको होटल में स्टे नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से घर पे पहुंच सकते हैं और फिर से आप ऑफिस या कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं अगले दिन सुबह में। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपका अगला जो भी ट्रिप होगा वो बहुत ही सुखद होगा, और हैप्पी जर्नी एंड सेफ जर्नी। दोस्तों, आपने भी कोई यदि ट्रिप किया है और उसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।